दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के 3D होम डिजाइनिंग 20x35 का डिजाइन मैंने आज बनाया है। आप देख सकते हो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने 2 फ्लोर बनाए, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट और सेकेंड। ये डिजाइन मैंने बनाया है 20x35 बनाया, पूरा डिस्कस करूंगा मैं मॉडल कैसे, कितने रूम्स बने हैं। और मैंने यहाँ पर ऐसा बनाया है कि आप यहाँ पर अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो वो भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, घर में खड़ी कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल के बारे में बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन डिजाइन आप देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों भी ट्रांसपेरेंट है, मैं ट्रांसपेरेंट हटा देता हूँ तो आप देख सकते हो ये आपका ओरिजिनल घर दिखने वाला है। ट्रांसपेरेंट था इसलिए अंदर तक आपको दिख रहा था, तो बेहतरीन सा डिजाइन है ये। आप मैं इसको डिस्कस करूंगा अंदर कितने रूम है, कितने भाई कितने के रूम है, पूरा प्लान। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार, और मैं हूं पवन झाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल दोस्तों न्यू टेक। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये न्यू टेक चैनल है, यहाँ सब्सक्राइब बटन आता है, या अगर आप मोबाइल फोन पर देख रहे होंगे वहां पर नीचे एक सब्सक्राइब बटन आता है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लगातार अपडेटेड वीडियो पाते रहेंगे जो भी बेस्ट होम डिजाइन से न्यू होम डिजाइन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। जैसे कि मैंने बहुत पहले वीडियो कुछ बनाए थे 11x22 15x30 15x42 बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ पर लगातार मिलते रहेंगे, मैं अपडेट करता रहता हूँ। और आपको अगर कोई भी घर बनवाना है ना, यहाँ देख सकते हो बहुत सारे डिजाइन आपको पड़े हैं, देख सकते हो जो भी आपका सुटेबल हो, या आप डिमांड करेंगे तो उसका भी मैं एक डिजाइन बनाकर देता हूँ। ये एक डिमांडेड जो मैंने बनाया ना, ये डिमांड पर ही वीडियो है कि एक मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि 20x35 का डिजाइन बनाकर मुझे बताइए सर, तो मैंने उन्हीं के कहने पर यह डिजाइन बनाया है। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ ग्राउंड फ्लोर पर, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे आप देख सकते हो। और जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे आते हो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ जैसे सबसे पहले तो ये रोड निकला है, और ये मैं इसकी चौड़ाई की अगर बात करूँ, यहाँ पे चौड़ाई है 20 फिट, और अगर लंबाई की बात करता हूँ तो मैं टोटल 35 फिट में बेडरूम बना। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पूरा व्यवस्थित सारी चीजें बनाई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये यहाँ पर एक मेन डोर है जो कि 10 फीट इधर निकल गया है, 10 इधर, जो आपका उधर दीवार बनेगी तो अप्रोक्सीमेट 19 फीट होगा, तो आधा आधे बन जाएगा, लगभग 9.5 फीट 9.5 फीट। अब ये 4 व्हीलर के लिए मैंने, और अगर हम बात करें 9.5 फीट ये ऐसे होगा, और इधर जो मैंने रखा है ये 10 फीट रखा है चौड़ाई, ठीक है, लंबाई ये 10 फीट है, चौड़ाई 9.5 9.5, क्योंकि 1 फीट में मान लो आपकी दीवार चारों तरफ निकल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आप इस वाली गाड़ी को यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं, मैंने बाइक खड़ी करके दिखा दी, लेकिन यहाँ आराम से आपका, क्योंकि 9x10 का ये आपका एक एरिया निकल आता है, यहाँ पर आप 4 व्हीलर अपने एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने एक रूम बना दिया आपके लिए, और यहाँ पर एक खिड़की है, और आप इस रूम में घुसने के लिए अंदर से भी दरवाजा लगा सकते हो, देख सकते हो आप एक अंदर से और एक इधर से भी आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद अब यहाँ से इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको हॉल टाइप का मिलेगा, जिसमें आपका यहाँ पर एक किचन होगा और ये बाथरूम होगा, आप एडजस्ट कर सकते हो, आप अल्टरनेट चेंज भी कर सकते हो इधर या उधर। अब ये आपकी सीढ़ियाँ होंगी ऊपर जाने के लिए, ये आपकी सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी है दोस्तों। अब मैं बता दूं, पर ये आपका 10 फीट था, ये जो मैंने बनाया 12 फीट में बनाया है, ठीक है, तो 12 10 22, अभी आपके पास लमसम 13 फीट जगह है, बस कि अप्रॉक्स 12 फीट आप बना सकते हो, क्योंकि 1 फीट दीवार हो जाएगी, तो 12 फीट में आपका किचन बाथरूम 6 फीट का बनेगा। और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ निकली हैं ये आप देख सकते हो यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर आपका यहाँ पर टॉयलेट यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो नीचे का डिजाइन हो गया, यहाँ पर 2 रूम होते हैं जिसमें एक आप 4 व्हीलर अपनी एडजस्ट कर सकते हो, एक 10x9x10 का रूम एक ये निकल आएगा। और यहाँ पर जो पीछे रूम है इनकी जो लंबाई की बात करें तो 13 फिट अप्रॉक्स है, 12 से 13 फिट, और ये 9 साढ़े 9 का वही है, मतलब 10x12.5 रूम आपके 2 निकल आएंगे, ठीक, बेडरूम। और यहाँ पर आपके किचन लेटरिन बाथरूम ये सब कुछ यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। अब सीढ़ी से आप जैसे जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर, तो ये फर्स्ट फ्लोर का डिजाइन है, जो आपका 2 रूम नीचे बने तो वो सिंगल रूम यहाँ पर हो जाएगा, और ये आपका को सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगा, और यहाँ भी 2 रूम बन जाते हैं। तो यहाँ पर अप्रॉक्स आपका ये 19 फिट इसकी चौड़ाई होगी, और 12 फिट 10 फिट लंबाई होगी, तो 19 फिट का चौड़ा है और 10 फिट ये लंबा एक रूम है। और आप ये सामने से अगर देखो तो यहाँ पर एक बाहर निकलने के लिए एक गेट बना, और ये आपका खिड़की लगा हुआ है, तो ये एक बालकनी में निकाल दिया मैंने 2.5 फिट का अप्रॉक्स। यहाँ पर आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ से आप एंटर कर सकते हो। इस रूम में घुसने के लिए आप यहाँ से गेट देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सोफा डाल रखे हो, ये एक बेड मैंने वो वाला डाला है जो डबल बेड ऊपर नीचे इसमें लोग सोते हैं, ठीक है। और पीछे बिल्कुल सेम टू सेम 2 रूम बने हैं, आप देख सकते हो इनकी भी अगर हम चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो 12x9.5, ठीक है। अब हम लास्ट फ्लोर पर चलते हैं, जो टॉप फ्लोर होगा मतलब कि सेकंड फ्लोर अपना, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ लास्ट में 2 रूम बना दिए सेम टू सेम जो नीचे से चले आ रहे हैं वैसे ही। और यहाँ पर पहले मैंने पूरा आपका सब कुछ छोड़ दिया, ये पिलर है, इस पर आप दीवार खड़ी कर सकते हो, ये देखिए दीवार बन गई, और आसानी से आपका पूरा मॉडल तैयार हो जाता है ये 20x35 में।
तो बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको फोर व्हीलर भी जगह मिल जाती है खड़ी करने के लिए, बाइक और साइकिल जो भी चाहे। और मैंने ऊपर कुछ खास नहीं बनाया, और बिल्कुल जीन आप जो भी सीढ़ी है सेम टू सेम ऊपर तक चली आई है। अगर आप इस सीढ़ी पर जाना चाहते हैं, इसके ऊपर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक जो स्टेयर्स आती है सिंगल, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं आराम से। एग्जैक्ट मैंने लगाकर नहीं दिखाया, आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये मेन से आप कैसा दिखने वाला, ये मेन गेट होगा, और यहाँ पर आप बाइक या जो भी खड़ी करना चाहे कर सकते हैं। और ये आपका एक रूम निकल जाए, मैंने थोड़ा सा डिजाइन बना दी जिसमें आपको अच्छा लगे। आप पे डिपेंड करता है बालकनी और सारी कैसी चेंज करते हैं। ये पिलर तीन बने हैं। तो ये पूरा मॉडल था, आप देख सकते हो। मैं ट्रांसपेरेंट करके आपको एक बार और दिखा देता हूँ, जिसमें आपको पूरा सब कुछ अंदर तक नजर आ सकता है। देखिएगा, ये सीढ़ी गई है, एक ये सीढ़ी गई, और ये आराम से आप ऊपर पहुंच जाएंगे। पूरा मॉडल आप चारों तरफ से देख सकते हो, बेहतरीन सा डिजाइन है आपका ये। यहाँ पर रूम यहाँ पे आपके बहुत सारे रूम भी निकल आते हैं। तो पर्याप्त जगह होती है 20x35, जिसमें आपका बेहतरीन सा मकान बनकर तैयार हो जाता है। तो ये दोस्तों, ये मॉडल आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरा एक हेल्प दोस्तों, एक फेसबुक पेज है न्यूटेक नाम से, उसको भी आप फॉलो कर लें। और अगर आपका कोई डिमांड है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं ये वाला मॉडल तैयार करूं, तो ये सारे मॉडल तो तैयार करना पॉसिबल नहीं है जो सभी लोग बताते हैं, लेकिन हाँ, मैं कोई एक रैंडम मॉडल वहां से चूज कर लेता हूं और आपको बनाकर बताता हूं। तो प्लीज और भी वीडियो यहां पर पढ़े वो भी देखें इसके लिए।